दोस्तों, आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप बताइए ये क्या है? ये है गुल्लर। इसे दोस्तों गुल्लर बोलते हैं, इसे क्लस्टर फीड भी बोलते हैं। अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो इसके कई फायदे हैं और इससे कई बीमारियाँ ठीक होती है, जैसे रक्त स्राव हो गया, डायबिटीज हो गया, कमर दर्द हो गया और भी कई बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। और कच्चे गुल्लर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, तो आज मैं इसकी एकदम स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी बनाने जा रहा हूँ जो नॉनवेज को फेल कर देता है। तो एंड तक बने रहिए, चलिए बनाते हैं। हेलो माय डियर फूड लवर्स, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पे। दोस्तों, वैसे ये गुल्लर हर जगह मिल जाता है, तो मैंने भी 500 ग्राम के आसपास ये गुल्लर लिया है। इसे मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे सफाई किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब आप तोड़ेंगे तो ऊपर इस तरह दूध निकलता है। वैसे इसके दूध के भी कई फायदे हैं। अगर आपका पेट खराब हो तो आप बतासे पे 2-3 बूंद इसके दूध डालकर उसे खा ले, पेट में दर्द में आराम मिल जाएगा और पेट खराब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम गुल्लर को इस तरह कट करते हैं तो बीच में इस तरह बीज रहते हैं, जिसे हम चाकू से धीरे से हटाकर इस तरह क्लीन कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है दोस्तों। जब आप फ्री बैठिए तो इस तरह आप गुल्लर को बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने चाकू से इस तरह बीज से इसके सारे बीज को बाहर निकाल लिया है। और ये दोस्तों देखिए, छोटा गुल्लर है, इसमें उतने बीज नहीं है, तो मैं ऐसे ही डाल दूंगा। अगर बड़े साइज के गुल्लर होते हैं तो उसके अंदर का जो बीज है उसे हमें चाकू से इस तरह क्लीन करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे गुल्लर को इस तरह कट करके क्लीन कर लिया है। तो इसे अब हम 5-6 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि जो भी थोड़े मोड़े बीज रह गए हैं वो पानी के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद जब हम इसे फेंकेंगे तो वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो हमें अच्छे से इसे रगड़ रगड़ कर 5-6 बार पानी में अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बीज है थोड़े मोड़े बचे हुए वो पानी के ऊपर इस तरह आ गए हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे गुल्लड़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब दोस्तों हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें इन गुल्लड़ों को हम डाल देंगे और इसे हम 2 सीटी लगाकर पकने देंगे। लेकिन इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। ये देखिए, लगभग 2 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है और ये रहा 1 टीस्पून नमक और ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और चलिए हम इसे गैस पर 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 2 सीटी लग चुके हैं और आपको मैं दिखा दूं, गुल्लर हमारा पक गया है। तो देखिए, इसे हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरह छान लेंगे तो हमारा गुल्लर अलग हो चुका है और ये नीचे पानी भी अलग हो चुका है। तो दोस्तों, नीचे जो ये पानी है ना, इसका कोई यूज नहीं है, इसे हमें फेंक देना है। अब ये उबले हुए गुल्लड़ों को भी हम 3-4 पानी से एक बार फिर से धो लेंगे। इससे क्या होगा, गुल्लड़ हमारे ठंडे हो जाएंगे और ये ऑलरेडी पका हुआ है तो ये और पकना बंद हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं पानी फेंक देता हूँ और फिर से इसे दूसरा बार ठंडे पानी से धो लूंगा। ये देखिए दोस्तों, गुल्लर हमारे क्लीन हो चुके हैं अच्छे से और ये पक भी गए हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए कितना अच्छा से ये पक चुका है। तो चलिए अब हम आगे का तैयारी करते हैं। मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून धनिया लिया है, ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च, दालचीनी 1 इंच, 3 से 4 ये सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये जावित्री के कुछ फूल है और 3-4 लौंग है। दोस्तों, अगर आपके पास मसाले ये नहीं है तो आप पाउडर मसाला भी यूज कर सकते हैं। ये 1 तेज पत्ता मैंने लिया है और ये 3 प्याज को मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। और ये दोस्तों टमाटर मैंने 1 इस तरह कट कर लिया है, बीजों को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे और ये जो हमारे खड़े
मसाले थे उसे हम बस 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बस हमें इतना रोस्ट करना है कि ये थोड़ा वार्म हो जाए, इसे हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो चलिए इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे और इधर कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए दोस्तों, उसके बाद जो हमने गुल्लट निकाल के रखा था ना, वो हम फ्राई करेंगे। लेकिन 1/4 टीस्पून मैंने थोड़ा सा जीरा इसमें डाला है। उसके बाद गुल्लट डालकर हम इसे अच्छे से तेज आंच पर कम से कम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। दोस्तों आंच बिल्कुल तेज होना चाहिए और तेल बहुत गर्म होना चाहिए। दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए दोस्तों, गुल्लर हमारा जब तक भून रहा था, मैंने वो मसाले भी पीस लिए हैं ग्राइंडर में। और आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम गुल्लर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे भून गए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे कढ़ाई में। तो चलिए हम एक प्लेट पर इसे बाहर निकाल लेते हैं। गुल्लर मैंने बाहर निकाल लिया और सेम कढ़ाई में जो तेल बचे उसमें मैं प्याज डालकर इसे भी 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लूंगा। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट प्याज मैंने फ्राई कर लिया, ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। बस अब मैं इसे बाहर निकाल लिया हूँ। अब दोस्तों प्याज हम पहले ठंडा करेंगे और इधर कढ़ाई में मैंने फिर से 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 5 फोरन, ये 1/4 टीस्पून है। जब ये हमारा चटक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दोस्तों ये हींग। हींग मैं डाल रहा हूँ 1 पिंच। अब दोस्तों इसी समय मैं इसमें डालूंगा 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट पहले से रेडी था तो मैं वही डाल रहा हूँ। अगर आप चाहे तो जब आपने प्याज फ्राई किया था ना, उस समय आप थोड़ा सा अदरक लहसुन उसी समय उसे भी साथ में फ्राई करके उसे भी आप पीस सकते हैं। तो ये देखिए, जिंजर गार्लिक हमारा भून गया है। तो बस अब हम इसमें तेज पत्ता तोड़ कर डालेंगे। मैंने तेज पत्ता पहले कढ़ाई में नहीं डाला था क्योंकि ऑयल गर्म था और तेज पत्ता जल सकता था। अब दोस्तों हम इसमें टमाटर डाल दिए हैं और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ के साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले जो हमने रेडी किए हैं। तो चलिए इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मसाले में मैंने हल्दी वगैरह नहीं डाला था, तो चलिए अब वो मैं डाल देता हूँ। तो मैं इसमें अभी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगा, ये 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले कढ़ाई में चिपके नहीं। और इसमें हम पानी डाल दिए हैं, तो चलिए अब इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था उसे मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में, तो प्याज भी इसमें हम डालकर और इसे भी हम मसाले के साथ में मिक्स कर लेते हैं। आप अच्छे से मिक्स कर ले और इसे चलिए हम ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ग्राइंडर में थोड़ा सा लगा हुआ था तो उसमें मैंने पानी डाल दिया है और वो भी इसमें मिक्स कर लिया है। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक ऑयल ना रिलीज हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी मैं इसमें डालूंगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और ये है किचन किंग मसाला, ये भी मैं 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ। इसे मैं मिक्स कर लूंगा और चलिए अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं। दोस्तों 4 मिनट हो गए हैं, तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ और उसके बाद इसे मिक्स कर रहा हूँ।
ये देखिए, ऑयल हमारा रिलीज हो चुका है मसाले से और मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। लेकिन चलिए अभी इसे हम 2-3 मिनट और भून लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑयल रिलीज हो गया, काफ़ी चिकनाई आ गई है और ये बिल्कुल भी तले में नहीं चिपक रहा है। तो बस मैंने जो गुल्लर फ्राई करके रखा था वो इसमें हम मिक्स कर दिए हैं। तो चलिए अब बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेते हैं ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए गुल्लर के साथ और हर जगह इसमें मिल जाए। बहुत थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों बारी आती है नमक की। तो गुल्लर को बॉयल करते वक्त तो मैंने नमक डाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा और स्वाद के अनुसार मैंने नमक इसमें डाल दिया है। चलिए उसे भी मिक्स कर लेंगे और हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे। आपको ग्रेवी कैसी रखनी है आप उसके कंसिस्टेंसी के अनुसार रखें। तो मैंने 1 ग्लास रखा है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। और चलिए दोस्तों हम ताजे धनिया के पत्ते डाल देते हैं और ये हमारी गुल्लर की एकदम स्वादिष्ट मसालेदार चटपटी सब्जी बन करके तैयार है। तो बस इसे हम बस 2 से 3 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे ताकि अच्छे से मसाला का फ्लेवर गुल्लर के अंदर चला जाए। ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये दोस्तों हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट रेडी कर लिया है, बस अब परोस लेंगे। तो ये गर्मा गर्म हमारी गुल्लर की सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो बस आप इसे अच्छे से परोस ले। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म पराठे या फिर चावल के साथ खाएं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और दोस्तों चिकन मटन इसके आगे फेल है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसे जरूर बनाकर खाएं। और ये ताकत से भरपूर है और इसमें कई आयुर्वेदिक गुण हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती है। तो दोस्तों अगर आपके इधर गुल्लर अवेलेबल है तो आप इसे जरूर बनाकर खाएं। तो मिलता हूँ मैं किसी और रेसिपी में मेरे चैनल मील विद माधव पे। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर झारखंड स्पेशल शाकाहारी मटन यानी कि रुगरा की रेसिपी भी डाल चुका हूँ, तो आप उसे जरूर देखिए। और आप चाहे तो मशरूम की सब्जी, वो भी कुकर वाली, देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं दोस्तों।